श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो वैहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सब्बसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये कसाई की चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन समय पाकर करेंगे अपन कभी, जितना समय बचेगा तब। अभी तो असंयम और असिद्धत्व की चर्चा करेंगे अपन। असंयम और असिद्धत्व, असंयम एक टेक्नोलॉजी देखने लायक है। मैंने आचार्य देव को जहाँ करुणा है ना, वहाँ पर नाम लिखी है। जहाँ अप्रयोजन हुए थे ना, उसकी चर्चा ही नहीं करी। चार्ट देखेंगे आप, असंयम इज इक्वल टू 16 कसाय। ऐसा होने पर भी 16 के भेद न कहकर एक असंयम डाल दिया। बस ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो, थोड़ी पढ़ाई है ना वैसे, इसमें उपयोग लगाना पड़ेगा आपको। असंयम नाम लिया मैंने, थोड़ा तो पढ़ाई दिया आपको संयम। आचार्यों ने असंयम की चर्चा, 16 कसाय ये अपने आप में असंयम है, लेकिन जिनवाणी में चरणानियोग करणानियोग में कहने में नहीं आती। करणानियोग की सूक्ष्म चर्चाओं में जितना जितना असंयम है ना, वो भी खराब गलत ही है, क्योंकि जब तक वो होगा तो यथाख्याचारित नहीं होगा। जैसे ये समझो, 1 लीटर पानी हो और 25 ग्राम दूध हो, 25 माने थोड़ा सा, 1 चम्मच दूध डाला हो, तो अपन क्या बोलेंगे, क्यों ये पानी में दूध मिला दिया। लेकिन 70% दूध हो और 30% पानी हो, तो अपन क्या कहेंगे, ये दूध है तुमने पानी मिला दिया। पॉइंट समझ में आएंगे। ऐसे ही जब असंयम ज़्यादा होता है ना, तो उसको तो असंयम कह देते हैं, लेकिन जब असंयम कम बचता है और संयम बढ़ जाता है, तो फिर उन गुणस्थानों में असंयम नहीं कहती। लेकिन जो 30% है वो क्या है, 20% है वो क्या है, जो 10% भी पानी बचा है वो क्या है, वो पानी ही है। ऐसे जब तक यथाख्याचारित नहीं हो जाता, तब तक मिश्र धारा है, इसीलिए इसका नाम मिश्र धारा है। नाम सुना होगा स्वाध्याय में, मिश्र धारा, संयम का परिणाम और असंयम का परिणाम, चारित के दो परिणाम, संयम और असंयम, माने दोनों की मिश्र धारा है। संयम बढ़ता जाता है, असंयम घटता जाता है। मुझे तो कहना इतना है कि आचार्य देव ने जितना जितना बचा हुआ असंयम ना, उसको असंयम में डाला है। 10वें गुणस्थान तक जितना जितना कसाय रह गई है, संजुलन कसाय, भले ही संजुलन कसाय, लेकिन उसको भी यहां पर असंयम नाम का औदयिक भाव का। समझ में आए? जैसे अभी अपन ने 5 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का उदय देखा था, दर्शनावरणी का उदय देखा था, तो अज्ञान नाम का औदयिक भाव कहां तक था, 12वें गुणस्थान तक। ऐसे ही असंयम नाम का औदयिक भाव 10वें गुणस्थान तक है। माने जितनी जितनी संजुलन कसाय है ना, वो भी असंयम है। अब थोड़ा यदि इसको आप पढ़ाई के मूड में होंगे तो ये बहुत समझ में आएगा आपको। देखो, एक आदमी 100 गालियां देता है और एक आदमी 1 गाली देता है। 1 गाली भी निंदा की पात्र है। हो समझ लो, आप दिन भर में 100 गालियां देते हैं, कोई बात नहीं, आप नेचुरल हैं,
लेकिन मेरे मुख से 24 घंटे में एक गाली निकलेगी तो बहुत गंदी बात है पंडित जी, बहुत गंदी। माने एक गाली का अंश बचा ना, जो एक गाली बची है वो भी बुरी है। लेकिन अब लेकिन 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 कह रही हूँ, लेकिन धर्मात्माओं का असंयम को हम गौण करते हैं, हम धर्मात्माओं का असंयम को गौण करते हैं। जैसे मैं एक दृष्टांत दूं, भोजन करने का भाव पाप भाव है, लेकिन हम मुनिराजों का आहार लेने को पाप भाव नहीं कहते, पाप क्रिया नहीं कहते, हम कहेंगे ही नहीं। आप सब भोजन ग्रहण करते हो और मैं आहार लेता हूं, आम पब्लिक खाना खाती है, असंयमी लोग, असंयम माने जिनको जैन नहीं है, इनको पता ही नहीं है, वे खाते हैं, अपन ग्रहण करती हैं। और दिगंबर महाराज लें तप बड़ाबन हित, वे आहार ग्रहण करती हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब क्या पड़ा? कि क्रिया तो वही है, पेट भरना, लेकिन वहां पर शब्द अच्छे हो गए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की प्रशंसा नहीं करेंगे तो जो मोक्ष मार्ग में नहीं है ऐसे संसारी जीव इस मार्ग में कैसे लगेंगे? ध्यान से सुनना सभी लोग, जो लोग अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, कहना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, वे लोग इसे अच्छे से समझें। जैसे मैं हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं और मैं होटल में खाऊंगा, ऐसे ही जो जो चौथे गुण स्थान बढ़ती हैं, पंचम गुण स्थान बढ़ती हैं, मोक्ष मार्गी हैं, मुमुक्षु हैं, गुरुदेव के अनुयायी हैं, उनका जीवन यदि आम पब्लिक जैसा होगा तो आम पब्लिक मोक्ष मार्ग में क्यों लगेगी? क्यों लगेगी? वे कहेंगे हम तो यही कर रहे हैं धर्म, तुम भी वही खाते हो, हम भी वही खाते हैं, तुम में हमें फर्क क्या है? बस तुमने चार अक्षर धर्म के पढ़ लिए, मैंने नहीं पढ़े, इतना फर्क है। इसीलिए बाहर में भी संयम होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। हम भी अपने घर में आते जाते हैं और राष्ट्रपति भी अपने घर में आते जाते हैं, लेकिन दोनों के आने जाने के स्टाइल में फर्क है। अपन भी अपने घर में आते जाते हैं और कलेक्टर भी अपने घर में आता जाता है, लेकिन हमारी और उसकी स्टाइल में अंतर है। आपने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया और एक ने झोपड़पट्टी बनाई, आप जब अपनी कार से उतर के जाते हैं ना तो उसमें एक ठसक होती है, हाँ वो मेरा सामान लाना, ठीक है, ऐसे ठसक काय की होती है? वो 1 करोड़ रुपए की। और नौकर चाका जो गरीब खड़े हैं झोपड़पट्टी के, जो वॉचमैन बने वहाँ, सामान्य घरों में रहते हैं वो वॉचमैन, वो ऐसा समझते हैं बहुत बड़े बड़े पुण्य के अवतार ही हैं, भैया बड़े आदरणीय है ये, वो ऐसे समझता। इन दोनों में अंतर होना चाहिए ना। यदि आप भी उतरे हो वैसे वैसे उतर के चलते बने, खाते पीते बने, वैसे उठते बैठते बने, तो वॉचमैन कहेगा इनमें और हम में फर्क क्या है? ऐसे मोक्ष मार्गी और संसार मार्गियों के अंतरंग बहिरंग व्यवहार सोच में फर्क पड़ता है, पड़ता है। इसीलिए जो जो धर्मात्मा होते हैं उनका असंयम भी हमें निंद नहीं कहते, कहते नहीं है, सुनना ध्यान से, लेकिन है तो थोड़ी सूक्ष्म बात चल रही है, आप गड़बड़ नहीं करना इसको। धर्म जैसे मैं भोजन करूंगा तो वह भी पाप क्रिया है, लेकिन वो नहीं कही जाएगी, कही नहीं जाएगी। लेकिन मुझे तो ये समझना चाहिए, ओहो वो दिन कब आएगा जब भोजन करने का विकल्प भी नहीं होगा। हाँ, अनाहारी स्वभाव की आराधना करके आहार का विकल्प अनंत काल के लिए समन को प्राप्त हो जाए, तैयारी का ही करना है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? फिर से सुनो, अभी हम लोगों को क्या लगता है, अब हमें तो कुछ करना ही नहीं, बस शुद्ध खाना खाते हैं, ऐसा करते हैं और कपड़ा बदलते हैं और क्रियाएं करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, अब ये सब हमारे फॉलोवर और मैं भगवान। हाँ, जहाँ तक तुझे शुद्ध भोजन ग्रहण करने का भी विकल्प, ओ हो हो हो, अशुद्ध भोजन की तो बात ही नहीं।
शुद्ध भोजन ग्रहण करने का विकल्प भी जहां अखरता है। कलंक लगता है, अरे भाई कलंक लगता है, समझ में आ रहा है कुछ? ओहो, देखो अब ध्यान से सुनना, स्वामी जी की टोन बता रहा हूं इसमें। पूजन पाठ का विकल्प भी चुभता है, अखरता है, हे है, कलंक है, ओ भगवान मैं कब तक पूजा करूंगा। अब ऐसी बात सुनकर के लोगों क्या लगता है, सही बात है, इसीलिए हमने पूजा छोड़ी दी, इसलिए हम व्रत उपवास करते ही नहीं है। स्वामी जी ने पहले ही कह दिया, बाद में छोड़ो कि पहले छोड़ो, पहले ही छोड़ दो, छट्टी हो गई। आए समझ में? ये नहीं करना, ये गलत से सोच रहे हो आप। एक भूमिका होती है, भूमिका अशुभ की तो अशुभ नीतो बात ही ना, शुभ पण जैने जहर दिखाए। एक ही लाइन में दो बातें लिखी हैं, एक ही लाइन में दो बात लिखी है, अशुभ की तो बात ही नहीं भैया। अर्थात तुम्हारे जीवन में अशुभ व्यवहार ना हो, अशुभ खान पान ना हो, अशुभ उठना बैठना नहीं हो, तो फिर ये बात समझ में आएगी। कौन सी? कि शुभ भाव भी। अब टेलीविजन देखते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, उल्टा सीधा करते रहेंगे, मार्केट में खाते रहेंगे, बाजार का इधर उधर करते रहेंगे, और शुभ भाव जहर छे, तुम बोलो मत, तुम्हारे बोलने लायक नहीं है बात। क्या कह रहे? बाजार का खावे पीवे इधर उधर करे और फिर तो गुरुदेव को लजाने जैसी बात है। मैंने गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनाई हैं कि गुरुदेव श्री को ये बात पसंद नहीं थी। गुरुदेव श्री ने कभी अशुद्ध खान पान नहीं किया, कभी बहन श्री ने, दोनों बहन श्री ने कभी बाजार की चीज नहीं खाई इतनी सी, छोटी उम्र से ही कभी नहीं खाई। मैंने सब पता लगाया, मैंने तो एक तरह से रिसर्च की थी, तो सब पता लगाया, गेहूं कहां से आता था, सामान कहां से आता था। एक भी दिन उन्होंने पापड़ दूसरे दिन नहीं खाए, आज के पापड़ बने दूसरे दिन नहीं खाए कभी भी। पापड़ समझते, आज का पापड़ कल नहीं खाया पूजन, मालूम क्या होता था? और सुन लो एक गजब बात, कि तीर्थ यात्रा में गए ना, तीर्थ यात्रा में तब भी गुरुदेव को रोज पापड़ मिलते थे, और तो अभी बात से नहीं खिलाए, आज का पापड़ कल नहीं खिलाया। बहने इतनी चतुराई से करती थी काम कि पानी उकालने को रख देती थी नीचे तपेला, उसके ऊपर थाली रख देती थी, और पांच पापड़ रोज बनते थे गिनती के, बस तीन सुबह के दो शाम के और वो पांच पापड़ उस पानी की थाली पर उबलता था ना नीचे पानी, बरसात के दिन में भी, बरसात के दिन में भी वो पापड़ उसके ऊपर सुखाए जाते थे, पांच उसके ऊपर सुखाए जाते थे, चिपक नहीं जाए तो उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देते थे, नहीं तो प्लेट में चिपक जाए गीला वाला पापड़ तो एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर रख दिया, चिपकेगा भी नहीं, बस सुखा दिया उसका। तीर्थ यात्रा में भी पापड़, ये भक्ति की बात बता रहा हूँ, स्वामी जी ने कभी नहीं कहा हमें पापड़ चाहिए, लेकिन बहनों को ऐसी भक्ति थी, लेकिन अगले दिन का पापड़ नहीं खाया। मैंने जिन लोगों को ऐसा लगता है ना, स्वामी जी को तो सब चाले थे, सब नहीं चाले थे, गलत काम बिल्कुल नहीं चलता था उन्हें। मैं अब इतनी कहानियां नहीं सुनाऊं, मुझे तो ये पढ़ाना है आप सुन लेना, उसी जीवन चरित्र में बहुत मैंने जीवन दिखाया उनका, बहुत सारी बातें आई उसमें, इसलिए ये भी नहीं करना भैया। आहा, चाहे कोई मुनिराज को माने और चाहे स्वामी जी को माने, कोई दिगंबर मुनिराज नहीं कहते रात को खाओ, कोई दिगंबर मुनिराज नहीं कहते आलू बटाटा खाओ, कोई दिगंबर मुनिराज नहीं कहते कि बाजार का खाओ। मैं तो अभी छोड़ दो, एक कौन सिंधियों के साधु हैं, कोई कौन है, एक बैनर वो छोटा सा वो लगा हुआ है पोस्टर, अशुद्ध भोजन थी मुक्त था, शुद्ध शाकाहारी बनो, ऐसा कुछ है ना, ए लगा जगह जगह, मतलब गजब। मैं तो मैंने रुक के पढ़ा ये कौन लिख रहा है भैया, अशुद्ध भोजन थी मुक्त था शाकाहारी बनो, मैंने ये तो नॉन जैन को कहना पड़ रहा है, ये तो साइंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह जो वो कह रहे हैं। आप एक काम करो, डॉक्टरों से मिलो, जाके किसी भी डॉक्टर से मिल लो, पैंक्रियाज खराब क्यों हो रहा है, स्टमक प्रॉब्लम क्यों आ रही है,
वो क्या कहलाता है, वो बीमारी होती नहीं है, पेट की कब्जियत, डाइजेस्ट, क्या कहलाता है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, पूछो उनसे जाके, मेरे से मत पूछो, कोई नहीं हाँ करेगा। लेकिन आलस्य और भवितव्य में लिखा हुआ कैंसर, लिख लेना सब लोग अपने अपने घर में जाके लिख देना लिख देना किचन में कैंसर का भवितव्य और प्रमाद बाजार का खिलाता है, बाजार का नाश्ता कराता है, वो क्या कहलाता है, मैदा खिलाता है, वो क्या क्या खिलाती है वो सब। बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो ये कहना है कि दसवें गुणस्थान तक दसवें गुणस्थान तक भी असंयम भाव है, लेकिन उसको कहने की शैली नहीं है, इसलिए तुम कहना मत और ज़्यादा ढूंढना मत। लेकिन जहाँ आपको सूक्ष्म चर्चाएं पढ़ोगे वहाँ पर ये बात है। और ये बात भी मैंने क्यों कही, ओहो दिगंबर मुनि राजों को तीन कसाय चौकड़ी का वाह होने पर भी संजुलन परिणाम ऐसा लगता है जैसे स्वामी जी कहते थे, आहा दिगंबर मुनिराज शुद्धोपयोग से सोपयोग में आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ताता की भट्टी, भट्टी भट्टी टाटा की भट्टी, स्वामी जी टाटा जी की भट्टी का दृष्टांत देते थे, टाटा टाटा समझ, टाटा आयरन स्टील की फैक्ट्री नहीं है वो उसकी जैसे टाटा स्टील की फैक्ट्री में वो स्टील जब पानी हो जाता है एकदम, भट्टी में जाकर वो पानी हो जाता है एकदम, सोपयोग ऐसा ऐसा लगता है। स्वामी जी को एक हिसाब से देखा तो बहुत पुण्य का उदय था, बहुत यश था, सब कुछ था, लेकिन स्वामी जी को जब इस तत्व की सूक्ष्म बातें आती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे, हमें कहाँ आवी पड़िया पड़िया, हमारे उद्देश्य न थी, हम विदेश क्षेत्र में था हता, ओहो त्या भगवान नी वाणी सांभता हता, ऐसा लगता है। तो मैं पुण्य का उदय आनंद लगता है, धर्मात्माओं को पुण्य का उदय भी अखरता है, पाप भाव नहीं अच्छा लगता, ध्यान रखना, पाप भाव अच्छा नहीं लगता किसी भी कीमत पर, पाप क्रिया अच्छी नहीं लगती, पाप भाव अच्छा नहीं लगता। अरे उन्हें तो वो जो सारा जगत को जो पूज्य है, अब मैं फिर से कहता हूँ, सारे जगत को जो पूज्य है, दिगंबर मुनिराजों का 28 मूल गुण का भाव सारे जगत के लिए पूज्य है, और 28 मूल गुण का भाव दिगंबर मुनिराज को असंयम लगता है। समझ में आ रहा कुछ, कड़क बात है ना थोड़ी, फिर से 28 मूल गुण सारे जगत को पूजने योग्य है, यदि किसी दिगंबर मुनिराज में 28 मूल गुण में से एक नहीं हो तो हम पूजे नहीं, आहार नहीं देवे, बात नहीं करें, देखें नहीं, और 28 मूल गुण हों तो हम उनके चरणों में लौट जाएं, हमारा शरीर का कण कण उनकी चरणों की धूल बनने तैयार, ओ हो। और बे मुनिराज जब अंतर्मुख होते हैं तो उस 28 मूल गुण को असंयम जानते हैं। क्या कह रहे हैं, 28 मूल गुण अखरता है, तो इससे क्या फायदा हुआ, तो छोड़ दें वो ना, छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, नीचे गिरने की तो बात ही नहीं है, वो 28 मूल गुण का भी विकल्प छेद करके आत्म स्वरूप में रम करके केवल ज्ञान लेना चाहते हैं। बहुत सरल बात है, बोलो 28 मूल गुण अच्छा है कि केवल ज्ञान अच्छा है, बोलो, तो 28 मूल गुण अच्छा लगेगा तो केवल ज्ञान कैसे होगा, इसलिए 28 मूल गुण हम सब के लिए, तो बोलो ये बच्चे पढ़ते हैं जैसे थर्ड में पढ़ता होगा तो जो एट्थ में पढ़ रहा है उसकी ये तो इस, वो तो इसकी नज़र में बड़ा सीनियर है, तो उसे देखता कैसे होगा जी, स्कूल में देखते हुए कैसे, ये हमारे बहुत सीनियर भैया हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, टॉप करते हैं, फर्स्ट होते हैं, हम तो इनके आगे कुछ नहीं है, और आठवीं वाले से पूछो तो वो टेंथ और ट्वेल्थ वालों को देख देख के क्या सोचता होगा, वो ऐसे सोचता होगा जैसे ये सोच रहा है, इसकी नज़र में आठवीं पांचवी वाला महान, आठवीं वाला महान, आठवीं वाले के लिए ट्वेल्थ वाला महान, और ट्वेल्थ वाले को तो ऐसा लगता है भैया अपने को कुछ नहीं है, दिल में बहुत हेजिटेशन हो रही है, अब वो MBBS का सिलेक्शन, वो मेडिकल लाइन लेना मुझे होगा कि नहीं होगा, वो उधर घबराता है, होता है कि नहीं होता है। ऐसे आपको चरणानियों में क्यों नहीं लिखते मुनिराजों के बारे में ऐसी बात, क्योंकि आपकी नज़रों में बेमहान, उनकी नज़रों में केवली महान, इसीलिए उन्हें जो जरा सी भी चीज रह गई है वो भी उन्हें अखरती है। क्या अखरती है, स्वभाव पण हे छ, 28 मूल गुण का भाव भी, आ हा
टाटा की भट्टी है। क्या क्या कह रहे, समझ में आया? अब 28 नाम गिनाऊंगा तो आपको पता लगेगा। हित मित प्रिय बोलना, कम बोलना, मधुर भाषण करना, आगम विरुद्ध नहीं बोलना। आगम विरुद्ध तो बोलने की बात ही नहीं, लेकिन बोलने का भाव अर्थात उपदेश देने का भाव, जगत को मोक्ष मार्ग में लगाने का विकल्प भी टाटा की भट्टी सा लगता है। इसलिए ए मान कसाई की तो बात ही कहाँ गई। अभी जैसे मैं बहुत बढ़िया प्रवचन करता हूँ तो मुझे मान कसाई, मेरी इज्जत से बुलाओगे तो आऊँगा, नहीं तो हाँ समझ लेना तो मान कसाई हो गई। लेकिन भाई दिगंबर महाराज तो उन्हें तो कहने की भट्टी लग रही है, तो भट्टी भट्टी की मान कौन करे। हाँ प्रभु हमारो काम न थी, लिखा है ग्रंथों में लिखा है। मैं मुझे समझाने का विकल्प आता है, बावलापना है, बावलापना है, पागलपना है। क्यों? मैं जिसे देख रहा हूं वो आत्मा नहीं है, वो समझता नहीं है, जो समझता है वो दिखाई नहीं देता। तुम जिसे देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो बोल सकता नहीं है, जो बोलता है वो मैं हूं नहीं। फिर भी प्रवचन करने का भाव आता है, सुनने सुनाने का भाव आता है। ज्ञानी कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, हमें तो पागलपन जैसा लगता है। चलो एक मिनट कल्पना करो, तुम जैसे देख रहे हो वो मैं नहीं, जो बोल रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी बोलता नहीं है। कैसा नाटक चल रहा है, कैसा इंद्रजाल जैसा चल रहा है। आप सुन रहे हो लेकिन आप सुनते नहीं हो, जो सुनता है वो समझता नहीं है, जो समझता है वो सुनता नहीं है। क्या कहा, क्या कहा? जो सुनता है वो समझता नहीं है, जो समझता है वो गजब। तो देखो नाटक कैसा इंद्रजाल जैसा खेल चल रहा है। ओहो, ऐसा जानकर ज्ञानी विरक्त होकर अंतर्मुख होते हैं। ध्यान रखना भैया, अभी हम पुण्य को हे कहकर कहाँ चले जाते हैं। ए सब पुण्य बद्धू ये छे, कहीं क्रियाकांड में दम नहीं थी। हम तो भैया 10 लक्षण में भी पूजा पाठ हम नहीं करते। ये लोग बहुत क्रियाकांडी है, जड़ क्रियाकांडी। अच्छा ये जड़ क्रियाकांडी और तू जड़ खाया खांडी है। जब देखे जब कहीं भी न दिन गिने न रात गिने, गांठिया और सेव मिल जाए, चाय मिल जाए, बस हो गया काम। इतने इतने में जिंदगी चली गई। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, आप देखो बहुत स्वामी जी कहते थे अपूर्व गंभीरता है भैया। यदि हमने शुभ भाव को हे कहा, शुभ क्रिया को हे कहा, उसका मतलब अशुभ तो। अब मैं चाहता हूँ चाहे आपको मोक्ष समय सारी पढ़ना है, आपको समय सारी में लिखी जो बात मैं कह रहा हूँ, पढ़ लेना मोक्ष अधिकार में। टीका पढ़ लेना पूरी, मुँह मत फुलाओ, ऐसा शब्द दिया अमृतचंद स्वामी ने, मुँह मत फुलाओ, ऊंचा फुलाया है मुँह जिन्होंने, ऐसा लिखा है। भाई सबको हे कहा, हम कह रहे ना हमें भी अच्छा नहीं लगता। इससे फायदा हुआ कि ये शुभ क्रिया है ना, उसका अहंकार नहीं होता, मान नहीं होता। क्यों? अरे रे भी भट्टी है भैया, तुम बड़ी भट्टी पे बैठे हो, हम थोड़ी छोटी भट्टी पे बैठे हैं, भाई इतनी बात है, लेकिन इसमें दम नहीं है। ओहो हो, कसाएं विभाव है, असंयम है, दुख रूप है, असुचि है, विपरीत है। पढ़ो अब समय साजी की बात है, आगे समझ में आया। अब तो आगे चलो तो असंयम की बात समझना, उल्टा नहीं खींच देना। मुझे बड़ा डर ही लगता है, ए सुबोध प्रकाश जी तो असंयम 10वें गुणस्थान तक मानते हैं। अरे मानता नहीं हूं, लिखा है इधर, लेकिन असंयम कहना नहीं। किसी मुहिराज को देखकर ये नहीं कहना ये असंयम ही है, किसी मुहिराज को देखकर ये नहीं कहना ये क्रोधी है। हैं तो अच्छा, तो आप मायाचारी सिखा रहे हो, हैं तो कहना नहीं। अरे भाई हमने अभी थोड़ा गणित बताया ना, साइकोलॉजी बताई कि 100 गाली देने वाले के सामने एक गाली देने वाले को अपन अच्छा कहते हैं, जी बहुत अच्छा लड़का है हमारा, जी बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल गाली नहीं देता। यहाँ तक कह देते हैं अपन, जी बिल्कुल गाली नहीं देता। दुनिया में एक आध लड़का ऐसा पैदा हुआ जो माँ बाप की 100% आज्ञा मान लेता हो, नहीं मानता, लेकिन जो मानता ज़्यादा मान लेता हो ना और कम नहीं मानता हो, मतलब 51 मान लेता है, तो मम्मी पापा कहते हैं हमारा बहुत अच्छा लड़का है, ये एक बात नहीं टालता, सारी आज्ञा मानता है, ऐसा बोल देते हैं, बोलते हैं लेकिन मान नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने तो इसका दृष्टांत दिया, वो मान भी ले, कल्पना करो वो मान भी ले तो नहीं मान सकता, मन वो अपनी जरा भी नहीं चला ईगो, जरा भी ईगो नहीं रखे, जरा भी महत्वाकांक्षा नहीं रखे, लेकिन ये लड़का खड़ा है, ये मम्मी और ये पापा, मम्मी ने कहीं सब्जी लेने जाओ, पापा ने कहा दुकान जाओ, अब जी क्या करे। क्या करे बोलो,
मास्टर ने कहा होमवर्क करना, अब मास्टर का भी आज्ञाकारी हो, मास्टर ने कहा होमवर्क करना, मम्मी कह रही दुकान, मतलब दुकान चले जाओ कोई काम कर दो, पापा ने कहा कि भैया जरा बैंक चले जाओ, अब ये एक समय में क्या करे वो लोग, बोलो। इसलिए वर्ल्ड में कोई किसी की आज्ञा मान सकता ही नहीं। अब ये तो बहुत स्थूल बात है, मानना चाहिए मानना चाहिए मानना चाहिए, क्या क्या मानना चाहिए, और मैं एक बात कहता हूँ बोलो, मम्मी की मानना चाहिए कि पापा की मानना चाहिए, करो फैसला, हैं? दोनों कैसे मानोगे, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। तब यदि तुम दो में से फैसला करोगे तो मैं कहता हूँ उनसे बड़ी जिनवाणी माता है। अब जिनवाणी माता कहती है झूठ नहीं बोलो, मम्मी पापा कहते हैं बेटे जैसी दुनिया हो वैसे काम कर लेना चाहिए, आप बता दीजिए मम्मी पापा की सुनेगी जिनवाणी माता की सुनेगी। कल्पना करो साक्षात अनंत भगवान खड़े हों चिरन, और उनसे भी अपन अनुमति कहें प्रभु जो आज्ञा फरमाओ सिर माथे, तो वे कुछ वे कह रहे दीक्षा ले लियो, और पत्नी कह रही है मम्मी पापा कह रहे हैं अब क्या करें बोलो। भैया सच्ची बात बताऊं, ये जीव ना तो भगवान की मानता और ना किसी की मानता, विश्व में किसी की मानता ही नहीं है, बस जब इसकी कसाय मंद होती है तो कोई ना कोई की मानता है बस, समझ में आया कुछ, इसलिए अपन कह देते जी हवाई मानता है, पापा भी कहते मेरी मानता है, जिनवाणी भी कहती मेरी मानता है, क्या मानता है जिनवाणी, क्या मानता है जिनवाणी, कभी नाराज नहीं होती, वो एक बात कहती है कि इसमें इतनी योग्यता है ना इसलिए इसने चौथा गुण स्थान ले लिया, बहुत बढ़िया शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, चौथा भी नहीं ले पाए तो बहुत बढ़िया, मंदिर आता है पूजन पाठ करता है बाजार का नहीं खाता शाबाश, माने जिनवाणी जानती है, क्या जानती है कि इसमें जितनी योग्यता है उतना ही फॉलोअप कर सकता है, उससे ज़्यादा कर सकता नहीं है, ऐसे मम्मी डैडी भी जानते हैं इसमें इतनी एबिलिटी है उतना करता है बस। अब बोलो टेंशन रह सकती है किसी को, हो गई आर्ट ऑफ लिविंग बस, समझ आगे समझ आया, तो एक असंयम की बात चली, असंयम कहने पर 16 कसाय लेना, मैं फटाफट अब आपको आगे चलाता हूँ, गति कहने पर 31 भाव लेना है, असंयम कहने पर 16 लेना है, वेद कहने पर 9, मिथ्यात कहने पर 3 प्रकृति, मिथ्यात कहने पर 3 प्रकृति, मिथ्यात सम्यक मिथ्यात सम्यक प्रकृति है ना, और अज्ञान कहने पर 19 भाव, यहाँ तक चर्चा हो गई अपनी, आज असिद्धत की अंतिम चर्चा करना है अपने को, अंतिम मतलब कोशिश करते हैं, माल तो बहुत है, यदि फिर समय मिलेगा तो अपना कसाय पर और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पर चर्चा, असिद्धत में 90 भाव आएंगे, सबसे ज़्यादा थोक असिद्धत, पहले असिद्धत समझ लो, नाम कम सुनते ना लोग, असिद्धत कितने लोगों को ने सुना है, ये नहीं पूछता हूँ, असिद्धत कितने लोगों ने नहीं सुना। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने असिद्धत नाम का वर्ड नहीं सुना होगा, तो आइए अपन असिद्धत की चर्चा करते हैं, पहले सिद्ध तो सुना है, तो सिद्ध के पहले आ लगा दिए माने असिद्ध, माने सिद्ध पना नहीं, तो माने पना, सिद्धत्व माने सिद्ध पना, जैसे मनुष्यत्व मनुष्यपना, जीवत्व जीवपना, मिठासत्व मिठापना, ऐसे ही सिद्धत्व माने सिद्धपना, और आ लगा दिए माने सिद्ध पना नहीं, ओहो ये भी एक औदिक भाव है, ये भी एक औदिक भाव है, 14वें गुणस्थान तक सिद्ध होंगे, 14 के बाद सिद्ध कब होंगे, 14 के बाद, उसके पहले हम सब एक ही कैटेगरी के हैं, अपन भी गर्व से कह सकते हैं सिद्ध भगवान और मेरी सिद्ध एक ही जाति है, क्यों कैसी जाति है कि वो भी सिद्ध नहीं है और मैं भी सिद्ध नहीं हो, बस ये असिद्धत्व। एक खुशी की बात यह है कि असिद्धपना होने पर भी दुखी नहीं होता जीव, सिद्धपने से सुखी नहीं होते और असिद्धपने से दुखी नहीं होते, इसलिए भेद विज्ञान करो, सिद्ध बनने की जल्दी मत करो। माने सिद्ध बनने की टेंशन नहीं करो कि सिद्ध नहीं बने हम सिद्ध नहीं बने, बन जाओगे चिंता नहीं करो। 13वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान में, ओ हो 12वें गुणस्थान में यथाख्याचारित हो जाता है, 13वें गुणस्थान में अनंत सुख हो जाता है, और तब भी 90 प्रकृतियां ले, क्या कह रहे अभी इतनी प्रकृतियां बाकी रह गई जो 14वें गुणस्थान के आखिरी में जाएगी, अभी कितनी बच गई,
कोई बात नहीं, सिद्ध भगवान को कोई तकलीफ, अरहंत भगवान को कोई तकलीफ है नहीं है, शरीर है कोई तकलीफ नहीं, मनुष्य गति है कोई तकलीफ नहीं, सुस्वर प्रकृति है कोई तकलीफ नहीं। बहुत चर्चा है इसमें, मैं कुछ कुछ पॉइंट गिनाऊंगा आपको जितना समय है अपने पास, है ना। इसलिए अभी देखिए अपन, सबसे पहले भव विपाकी चार प्रकृति, जब तक ये है जीव सिद्ध नहीं हो सकता। ये भव विपाक, पहले विपाकी समझ लो, विपाकी क्या होता है, जिनका फल पकता है, काय में, जीव में, भव में, क्षेत्र में और पुद्गल में। क्या कहा, जीव में और पुद्गल में, पहले जल्दी जल्दी कर दो, जीव पुद्गल और भव और क्षेत्र, माने भव संबंधी जैसे चार गति, ए भव, चार गति क्या हुई, ए भव। और क्षेत्र विपाकी में क्या होता है, जीव एक गति से दूसरे गति में जाता है ना, वो क्षेत्र, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में ट्रांसफर होता है, वो क्षेत्र विपाकी कहलाती है। तो चार गत्यानुपूर्वी कहलाती, माने उस गति में आने से पहले, गत्यानुपूर्वी गति में आने से पहले, समझ में आया। इसे ज्यादा समझना हो तो 17 नंबर के पेज से लेकर 19-20 नंबर के पेज तक भाव दीपिका में पढ़ लेना, आपको बहुत मजा आएगा। 17 नंबर से 19-20 नंबर के पेज, दो तीन पेज हैं, आपको 168 प्रकृतियों का वर्णन मिलेगा। 148 का नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा, 168। अभी तक अपन लोगों ने क्या सुना है, 8 कर्म और 148 प्रकृति, ऐसे सुना ही नहीं अपन ने, 8 कर्म और 148, लेकिन दीपचंद जी साहब ने 168 गिनाई है। क्यों गिनाई मैं यही बता देता हूँ, क्योंकि आप बाँट ढूंढोगे तो परेशान हो जाओगे, मैं बता देता हूँ, बहुत सरल है। पुद्गल विपाकी में स्पर्श रस गंध वर्ण इनकी बीच पर्याय होती है, स्पर्श रस गंध वर्ण इनकी बीच पर्याय होती है, स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2 और वर्ण की 5, है ना, 5, 2, 7 और जी कितनी थी, 6 ना, और जी इधर स्पर्श की 8, ऐसे 20 हो जाती हैं। तो 20 होने पर 20 शुभ और 20 अशुभ, मैं इतना सा भेद करके 168 कर दिया, समझ में आ गया सर, हैं, 20 शुभ 20 अशुभ, काय की स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय हैं वो 20-20 होती हैं, तो उनका डबल कर दिया। मैं बता सकता हूँ आपको, 5 वर्ण की, 2 गंध की, 5 रस की, 8 स्पर्श की, 8 स्पर्श की, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, 8 हो गए। जल्दी पढ़ा, अभी इनको पढ़ाने का टाइम, फिर अब देखो 8 पढ़ाऊंगा तो उसी में 1 घंटा लग जाएगा, बहुत माल है, एक एक शब्द में माल है। केवल जी स्पर्श की 8 पर्याय पढ़ने में बहुत मजा आया, अब तुम कहो इसमें काय का मजा है, लेकिन पढ़ोगे तब मजा आएगा, पढ़ाऊंगा कभी जब देखेंगे अपन, फिलहाल तो गत्यानुपूर्वी हो गई। अभी 82 पुद्गल की देखिए, 5 शरीर, 5 प्रकार के औदारिक शरीर वगैरह ना, औदारिक, व्यक्रिय, आहारक, तेजस, कारमाण, ये 5 प्रकार के शरीर, जब तक ये रहेंगे तब तक सिद्ध नहीं हो सकते आप, इनमें से कोई सा भी एक शरीर होगा आप सिद्ध नहीं हो पाओगे। 5 प्रकार के शरीर, 5 प्रकार के बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 6 संगनन, 3 अंगोपांग, 5 वर्ण जो बताई दिए अभी, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, और इनके शुभ अशुभ करके 40 हो जाएंगे। और आतप, आतप सुनो, आतप, आतप माने आपका शरीर ठंडा रहेगा लेकिन दूसरों को गर्म लगेगा। क्या कह रहे हैं, एक नाम कर्म का उदय है, आतप नाम कर्म का उदय, मेनली ये सूरज में कहा जाता है, मेनली ये सूरज में कहा जाता है, आताप नाम कर्म का उदय, माने आपको गजब लगेगा कि वो अपने आप में ठंडा है। ये लोग क्या मानते हैं वो हमें मतलब नहीं है, वो एक विमान है एक प्रकार का, तो वो अपने आप में ठंडा है, और जिस जीव को आताप नाम कर्म का उदय होगा वो वहां जाकर के जन्म लेगा, इसका नाम आताप नाम कर्म का उदय। ऐसे एक शीत नाम कर्म का उदय होता है, चंद्रमा वगैरह इस हैं तो अपने आप में शीतल, लेकिन दूसरों के लिए भी शीतलता में निमित हो जाती हैं, ऐसे और भी हैं इसमें। निर्माण, अब निर्माण देखिए अपन, निर्माण समझते, कंस्ट्रक्शन, निर्माण समझते, तो शरीर का निर्माण,
अब शरीर के निर्माण में दो बातें हैं, एक स्थान, ध्यान से सुनना क्या बोला, स्थान और उनका आकार। जब भी आप बिल्डिंग बनाएंगे तो एक तो स्थान होना चाहिए, लेटरिन की जगह लेटरिन, भोजन किचन की जगह किचन, बेडिंग रूम की जगह बेडिंग रूम होना चाहिए ना, तो ये स्थान और उनका आकार। किचन कितना आकार का होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम कितने आकार के होंगे, वो सब नक्की करेंगे। तो निर्माण में दो बातें मुख्य होगी, कौन कौन सी, स्थान और आकार। ऐसे ही हमारा निर्माण नाम कर्म का उदय होता है, बॉडी में एक कौन सा कर्म का उदय हुआ, निर्माण नाम कर्म का उदय, जिसके कारण आँख के स्थान पर ही आँख बनेगी और इसी आकार की बनेगी। दो चीज, नाक की जगह नाक बनेगी। अच्छा एक काम करो, अपन थोड़ा हेर फेर कर दें, इधर नाक लगा आँख लगा दें, इधर नाक लगाएं तो क्या होगा, क्या होगा कि देखो कभी भी गिरोगे तो नाक टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आँख फूट जाए तो कितनी दिक्कत है, आँख बिल्कुल सही जगह पर सेट है, हड्डियों के ऐसे खोलें, खोल हड्डियों के ऊपर से, इसके ऊपर एक पलक है कि जब हवा चले, मिर्ची उड़े, धूल उड़े, कंकर उड़े, जीवात उड़े, सटर डाउन, जे कहलाता है सही स्थान और सही स्थान और सही आकार। इधर तीसरी आंख बन गया, कहते हैं ना तीसरी आंख, कितनी तकलीफ होगी यहाँ तीसरी आंख बनाने में, आप उल्टे नहीं सो पाओगे, तकिया पे अपन उल्टे सो जाती हूँ, फिर सो ही नहीं पाते हो, दब जाती हो माने कितनी एक एक चीज की रचना कह दी। अभी महिमा गाने बैठ जाऊंगा तो आप ये सुन के ताज्जुब होगा कि इस बॉडी का सारा स्थान एकदम सुरक्षित है और उसका आकार एकदम बढ़ गया है, ना इससे बड़ी करना ना इससे छोटा करना, करना ही नहीं। ये उंगलियां बहुत अच्छी हैं, ये जो बड़ी वाली उंगली इधर होती है टूट टूट जाती है, ये बड़ी उंगली बीच में ही अच्छी है, बस आप करके देखना। चप्पल जूते कैसे बनते, मान के चलो आड़ी टेढ़ी उंगलियां ऐसी होती, चप्पल जूते कैसी मुश्किल पड़ती, मैंने आप देख नहीं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते इसकी, एक एक माने सही स्थान पर और सही आकार में तो वो बनना। तो इसका नाम है निर्माण नाम कर्म का उदय। उद्योत, उद्योत माने प्रकाश, स्थिर और अस्थिर, क्या नाम बताया हमने, स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म। तो स्थिर माने तो अपन समझते हैं ऐसे खड़ा रहेगा और अस्थिर माने हिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। स्थिर नाम कर्म मेडिकल साइंस की बात है, इसमें क्या कह रहे, स्थिर नाम कर्म में मेडिकल साइंस की बात है। क्या बात है कि शरीर में जो सप्त धातु हैं वो प्रॉपर रेशियो में बने रहें, इसका नाम स्थिर नाम कर्म, तो आदमी स्वस्थ रहता है। और यदि शरीर में सप्त धातु कम बढ़ हो जाए, वात पित्त कफ मल मूत्र खून, ये कोई भी कम बढ़ हो जाए ना रेशियो में, तो झट बीमार हो जाएगा आदमी। माने शरीर में जो धातुएं हैं वे स्थिर बनी रहें, माने उनका रेशियो प्रोपोर्शन सही बना रहे, इसका नाम स्थिर नाम कर्म। और अस्थिर नाम कर्म माने वे घट बढ़ जाए। आप जब जब बीमार होते हैं तो वे लोग जो होते हैं क्या कहला वो वैद्य नाड़ी वाले, वो नाड़ी से पकड़ जाते हैं, भैया वो आपकी पित्त बढ़ गया, भैया आपको कफ है, ऐसे करते रहे ना क्या वो बात, पित्त कफ को नाड़ी से पहचान जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं करता, केवल बैलेंस कर देता है और कुछ नहीं करता, इलाज में और कुछ नहीं करते। आगे समझ में आया, अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इनमें बहुत बोलने के लिए है, कहाँ तक बोलोगे आप पढ़ लेना है। अब और देखो शुभ और अशुभ, देखो बिल्कुल शुभ अशुभ नाम सुनते से अपने को क्या लगता है, शुभ क्रियाएँ अशुभ क्रियाएँ, या फिर लगेगा शुभ भाव अशुभ भाव, लेकिन ध्यान रखना ये पुद्गल विपा की प्रकृति है। फिर से सुनो, शुभ क्रियाओं का अर्थ यहाँ नहीं लेना और शुभ भाव का अर्थ भी यहाँ नहीं लेना, यहाँ शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ मतलब शरीर के अंगोपांग सुंदर बने होंगे तो शुभ और असुंदर बने होंगे तो अशुभ। ये नाम कर्म का उदय भी बदलता रहेगा पूरे जीवन, पहले बिल्कुल कामदेव जैसे सुंदर थे श्रीपाल, और हाथ पैर टेढ़े हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये अशुभ नाम कर्म का उदय आ गया।
अभी अपना शरीर खराब हो जाए तो अशुभ नाम कर्म का उदय हो जाए। अब और आगे देखो, अशुभ नाम कर्म बता दिए, शुभ अशुभ नाम कर्म मतलब याद रह गई, माने अंगों की सुंदर रचना, और इसी से मिलते जुलते नाम है सुभग और दुर्भग। सुनते ध्यान से आप, बहुत अच्छी चर्चा है इसमें। सुभग और दुर्भग क्या नाम बोले मैंने, एक साथ बोले जरे, एक बार फिर से बोले, ध्यान से सुनना। अशुभ नाम कर्म का उदय होने पर भी यदि किसी का सुभग नाम कर्म का उदय हो तो वो प्रशंसनीय होता है, आदरणीय होता है, लोगों से देखते हैं। जैसे जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, ओंठ मोटी मोटी, गला ऐसा, हाथ ऐसे, चेहरा हफ्सी जैसा, लेकिन वो सेंचुरी ऐसी मारता है कि लोग उसके फोटो इंग्लैंड वाले भी लगा के रखते हैं और अमेरिका वाले भी लगा के रखते हैं। एक जितने खिलाड़ी है ना एथलेटिक्स में, बोल्ट वगैरह नाम सुना, बोल्ट, अब सकल सूरत कैसी लगती है इनकी देखने में, सकल सूरत सुंदर नहीं है। और भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। शरीर से एक महिला थी, मुसलमान महिला, उसको बचपन से ही शरीर इतना खराब था, शादी तो हुई नहीं उसकी, जरा में हड्डी टूट जाए लगवा लग गया, पूरी बॉडी उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, मैंने उसे भोजन कराना पड़ता, लेटरिन बाथरूम कराना पड़ता, सब कुछ, वो चेयर पे रहती है हमेशा। इसके बावजूद केवल इतना अंग काम करता है, और इसके बावजूद उसने करोड़ों अरबों रुपए की संस्थाएं खोल दी कि मैं परेशान हूं तो कोई बात नहीं है, कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोई तकलीफ हो, उसकी संस्था खोली उसने, सबके लिए उसने पढ़ाई की व्यवस्था करी, सबके लिए कपड़े की व्यवस्था करी, सबके लिए करी, और खुद ऐसी है। मैंने आप कल्पना कर सकते हो कि एक आदमी पूरा इतना खराब, इतने के बल पर ही, और फिर उसको मेडल मिला, मतलब क्या कहना चाहिए, नोबेल प्राइज मिला है उसका, बहुत बड़ा बड़े पुरस्कार राष्ट्रपति ने दिए उसको, होता है। माने अब वो इतनी आदरणीय हो गई कि उसके फोटो लोग अपने उसमें रखते हैं। मदर टेरेसा कहाँ जन्मा, कहाँ गरीब, कहाँ कुछ, कोई मतलब नहीं, और सम्माननीय हो गई। इसका ध्यान से सुनना, मुझे काम की बात कहनी है इसमें। देखो इसका मतलब, रूप सौंदर्य को सजाने के चक्कर में मत पड़ो। आपके पाप के उदय से आँख कैसी हो, कान कैसा हो, नाक कैसी हो, गला कैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि सुभग नाम कर्म का उदय होगा तो आप प्रशंसनीय हो जाओगे। और अब उल्टा कर दो, दुर्भग, शरीर सुंदर है, गोरा रंग है, हुष्ट पुष्ट है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई उसे देखना नहीं चाहता, ऐसा लिखा है, वो आ जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कहां से आ गए। मैं कॉलेज में भी, मैंने कभी मेकअप नहीं किया, मैंने पाउडर वाउडर कभी नहीं लगाया, मैंने नहीं किया कुछ, सिंपल कपड़े पहने, क्यों, मुझे पता था ना, मैं कार से गया, साइकिल से गया हूं, मैं साइकिल से, 100 रुपए की साइकिल थी हमारे जमाने की, वो उससे गए हम कॉलेज पढ़ाने, कोई डर नहीं अपने को, क्या कोई भी तुम्हारे रूप रंग को नहीं देखता, आज भी कोई हमारा रूप रंग थोड़ी देखता है, जो भी हमें चाहते हैं बिट टैलेंट से चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो और चाहे इधर हो, और वहां पर भी जो सुंदर सुंदर थे, बड़े हुष्ट पुष्ट थे, कारों से आते थे, टाई लगा के आते थे, टाई छिपाना पड़ती थी अंदर, कोई विद्यार्थी पकड़ के खींच नहीं दे गए, क्यों, पढ़ा नहीं पाओगे आप, नकल से पास हो गई, सोर्स से नौकरी लग गई, अब लेकिन जब वो पढ़ाना पड़ता है वहाँ सोर्स क्या करेगा, क्यों, मैं ऐसा थोड़ी होता है, बच्चों शांति रखना, सबको 100-100 का नोट दूंगा, 100-100 का नोट दूंगा, मैं रिश्वत दूंगा, वहाँ रिश्वत से काम थोड़ी चलेगा, वहाँ तो 100 विद्यार्थी सामने बैठे हैं, आपको पढ़ाना पड़ेगा, और नहीं पढ़ा पाओगे तो हाय हाय हो जाएगी वहाँ पर, छोरे चल जाते हैं कॉलेज में वहाँ डरते फिरते, तो किसकी कीमत हुई बोलो, किसकी कीमत हुई बोलो, इसलिए हम फिर कह रहे जिंदगी में कभी शरीर का संगार करने के चक्कर में मत पड़ा, इसे इसे अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो। घर संपत्ति प्रॉपर्टी से कोई महान नहीं कहलाता। सुभग नाम कर्म का उदय होगा तो चाहे जैसा शरीर हो, चाहे जैसा कुछ हो, गरीबी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आपको आदर करेंगे। और यदि पाप का उदय है तो वो क्या हो रहा है भैया, दुर्भग नाम कर्म का उदय,
समझ गए कौन का नाम ले रहा हूँ इशारा भी, ये पकड़े गए गेम्स में कलमाड़ी और भी बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, बहुत सारे, एक दिन की लिस्ट इतनी बड़ी कहाँ तक नाम लो अपन, मिल जाएंगे। जब ये जेल से छूट के आएंगे तो उनके दादा दादी ये वो ना नाती पोते, पापा दादा ग्रैंडफादर हम स्कूल जाते हमको बहुत परेशानी होती, सब कहते हैं तेरा दादा चोर है, तेरा दादा चोर है, तेरा, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल पड़ता है। एक काम करो आप, ये घटना फेमस हो जाए फिर अपने बच्चे से पूछना कि मोहल्ले में खेलते हैं तो सब लोग क्या करते हैं उसके साथ, और स्कूल कॉलेज में उसे क्या सुनना पड़ता है, नज़र नहीं मिला सकते, बहुत समझना अच्छी तरह से। फिर समझो सुबह नामकरण का उदय हो तो चाहे जैसा शरीर हो, ओ हो काला शरीर हो स्तुत्य हो जाएगा, समझ गए तो आगे चलो। अभी देखो कैसे कैसे शरीर होते हैं, प्रत्येक 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 समझते हैं? एक शरीर में एक जीव रहे इसका नाम प्रत्येक, और एक शरीर में अनंत जीव रहे जे साधारण, साधारण और प्रत्येक समझ में आया। अपन लोग क्या करते हैं, बच्चा बाजार में वो आती ना जैसे कच्ची दूधी, मैंने छोटे साइज की होना तो चाहिए, इतनी बड़ी इतनी सी आई तो अपन इतनी नहीं खाएंगे, जिस भी सब्जी के ऊपर रेसे लगे हों, रेसे बाल और रोम लगे हों वो अपन नहीं खाएंगे, क्यों, जब तक वो रोम लगा है उसमें अनंत जीव राशि है, लेकिन जब रोम झड़ जाएगी एक प्रकार से वो मैच्योर्ड हो जाएगी पूरी परिपक्व हो जाएगी, तब फिर वो एक 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 इंद्रिय एक जीव बचा उसमें बस, तो हम दूध ही तो खा सकते हैं, एक इंद्रिय जीव है केवल, एक जीव है उसमें, लेकिन उसमें अनंत जीव राशि हो वो नहीं लेंगे, इसलिए हम बटाटा वगैरह नहीं खाते क्योंकि इसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, इनको साधारण कहते हैं। इसकी भी चर्चा है ऐसा कैसे बनता होगा साधारण नामकर्म और प्रत्येक नामकर्म, प्रत्येक की तो ज्यादा नहीं कहता हूं लेकिन साधारण का तो सुनी लो, एक भावना बहुत भाते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसा लगता है पंडित जी हमारे पत्नी और बच्चे कभी बिछुड़े नहीं, साथ ही मर जाएं हमारे क्या, जैसे आप में से किसी के ट्रांसफर हो जाए तो ऐसा लगता है अपने सारे मोक्षु संगति छूट गए, अच्छा नहीं लग रहा, काश सब लोग हमारे साथ ही रहें जिंदगी भर, ठीक है भावना भाव, तो जितने तुम्हारे भावना वाले होंगे भी तो सब मिल ही जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे, आलू में बहुत खतरनाक है भैया ये भावना, बहुत ध्यान रखना, कभी आदमी माने अपन जीव इंडिविजुअल है परिपूर्ण है, साथ जीने मरने की भावना नहीं भाना, थोड़े में बहुत कह रहे हैं बाकी और भी सुनना है। एक अगुण लघुत्व है, अगुण लघुत्व है, ये नाम कई बार सुना होगा आपने, अगुण लघुत्व एक सामान्य गुण है, एक अगुण लघुत्व सिद्धों को प्रकट होगा और एक अगुण लघुत्व इस शरीर का नाम कर्म है, क्या कहा शालीन, एक नाम और तीन प्रयोग, और भी प्रयोग होंगे एक दो जगह और भी होगा अगुण लघुत्व का प्रयोग, फिलहाल तो अपन तीन के, तो उसमें से ये शरीर है जैसे अपने को लगता है ना कि ये मोटा आदमी है तो कैसे चलता होगा, इसका भारी पैर कैसे उठाता होगा, जैसे हाथी तो हाथी कैसे चलता होगा, बहुत भारी वजन लगता होगा इसकी बॉडी का, लेकिन अगुण लघुत्व नाम की प्रकृति होने के कारण अपना शरीर अपने को भारी नहीं लगता, ये भी एक कर्म प्रकृति जिसके कारण आपको अपना शरीर कभी भी भारी नहीं लगेगा, हल्का भी नहीं लगेगा, जैसे दुबला पतला बच्चा हो तो हल्का नहीं लगेगा, उसे लगता नहीं तो ठीक ठाक हूँ, अगुरु अगुरु माने बड़ा नहीं लगता भारी नहीं लगता, और अलघु माने छोटा नहीं लगता, माने एक प्रकृति है ऐसी, कई बार आप लोग ऐसा लगता है अपन तो स्लिम है, जेलो बेचारे बड़े परेशान होंगे, उनसे पूछो वो बहुत मजे में है, आगे समझ में आया, तो एक अगुण लघुत्व नाम की प्रकृति है, एक उपघात और एक परघात नाम की प्रकृति है, ध्यान रखना काय का वर्णन चल रहा है, असिद्धत्व में 90 प्रकृतियों का, शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा आप पढ़ना तो पढ़ना, कहाँ भाव दीपिका में उपघात और परघात भी पढ़ लो, हालांकि मैं बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, आनंद नहीं आता मुझे इतनी जल्दी पढ़ाने में, लेकिन बाद में वेद विज्ञान कराना है मूल तो ये है, उपघात परघात भी समझ लो,
शरीर की रचना इस तरह की होती है कि अपने शरीर से ही अपनी घात हो जाता है, ये उपघात कहलाता है। और कई बार अपने शरीर की रचना ऐसी होती है जिससे दूसरे का घात हो जाता है, जैसे बिच्छू का डंक होता है ना, बिच्छू का डंक, सर्प का विष, एक उसमें एक परघात नाम की एक प्रकृति है, तो पर का घात करेगी, स्वयं का घात नहीं करेगी। बिच्छू का जहर बिच्छू में है वो नहीं मरेगा, सांप का जहर सांप में वो नहीं मरेगा, वो पर घात। और स्वयं घात क्या होता है? उपघात, इसको उपघात कहते हैं। उपघात क्या होता है कि अपने से अपना घात हो, जैसे जैसे ये दांतों के बीच में गाल आ जाता है, चबाते चबाते दांतों के बीच में गाल आ जाता है तो गाल कट जाता है, कई बार जीभ कट जाती है, तो ये दांत है ना, दांत ये उपघात कहलाएगा। अब ध्यान से सुनना, फिर से सुनना जरा पूरी बात। आपको दोनों प्रकृतियों का उदय चलता है, आपको दोनों प्रकृति का उदय चलता है। आपकी बॉडी में एंटीसेप्टिक वाटर है, इससे दूसरे जीव मर जाते हैं। आपकी बॉडी में वायरस वगैरह पैदा होते हैं और वहीं पर बाइट सेल्स होते हैं, तो बाइट सेल्स वो वायरस को वहीं मारता रहता है। तो ये उपघात नाम की प्रकृति है, परघात, सॉरी परघात नाम की प्रकृति है। और आप चक्कू से काम कर रहे हैं और अपना उंगली कट गई, तो ये उपघात प्रकृति का उदय आ गया। माने जब 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 उपघात प्रकृति का उदय आएगा तो आप अपने शरीर से अपना ही घात कर लोगे। जैसे गुस्सा आ जाए तो लिव हम मरे जा रहे हैं, लिव उं, 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 सिर फोड़ लिया जी, क्या करा, सिर क्यों फोड़ लिया आपने दीवार से? क्योंकि उस समय आपको उपघात प्रकृति का उदय आया। जब आप अपने हाथ का इस्तेमाल बच्चे को पीटने में करती हैं, किसी को पीटने में करते हैं, तो कौन सी प्रकृति का उदय आया? परघात। अब तो समझ आ गया, ऐसे इसके भेद हैं, समझ लेना आप। कई बार जीव अपने वो उपघात कर लेता, उपघात माने अपघात भी कह देते हैं अपन, स्वयंघात आत्मघात, वो उपघात नाम की प्रकृति है अंदर में ही, उसके वजह से ऐसा मूड हो जाता है, मर जाता है वो। और जब परघात प्रकृति होती तो दूसरे का घात करता है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, कैसे कैसे कर्म बांधे होंगे जीव ने, कैसे कैसे कर्म बांधे होंगे। उसका एक छोटा सा नज़ारा देखो आप, जीव को ऐसा लगता है बस होता तो आग लगा देता, कोई बात नहीं है, एक आग नाम की प्रकृति आपके शरीर में आ जाएगी, मेरे वो तो मेरा जोर नहीं चलता, नहीं मैं कच्चा चबा जाता, ठीक है वो भी मिल जाएगी आपको। और बोला, और आपको बताऊं एक गजब बात, दुख की बात है, जितने मंद कसाई होते हैं, जितना पुण्य बांधते हैं, सरल जीव होते हैं, वो खोटा भाव करते हैं तो फटाफट मिल जाती है वो विद्या उसको, वो कर्म माने बहुत जल्दी मिल जाता है वो अपने को। जैसे दीपायन मुनि थे, दीपायन मुनि क्या तपस्वी, ओ हो हो, और जरा ऐसी शक्तियां प्रकट हो गई पूरे नगर का दाह कर दे, पूरे नगर का दहन कर दे, ऐसी शक्ति विद्या प्रकट हो गई, रिद्धि प्रकट हो गई, और एक विकल्प आया, आग लगी शुरू, माने उसके मुख से निकलना, मन में विकल्प आना कि आग लग जाए, आग लग जाए, ये क्या है? इसलिए मैंने क्यों बताया कि आप यदि धर्मात्मा हो, मंद कसाई हो, पुण्यात्मा हो, तो इनका अध्ययन करो। मुख से वचन से भूल के भी अभिप्राय में ये नहीं आए कि मेरी ऐसी रिद्धि होए कि मर जाए, जहर गालियाँ नहीं पकती, गालियाँ, आग लगे, क्या क्या बोलते हैं वैसे, तमाम जन कैसी कैसी भाषा बोलते हो, कभी नहीं करना। ओहो, दीपायन मुनिराज का भाव बिगड़ गया, रिद्धि तो हो गई थी पुण्य के उदय में, काय के उदय में हुई थी, लेकिन किस काम आई वो बता, गति बिगड़ गई। ऐसे सब जगह घटाना है, इसमें ऐसी भावना नहीं भाना। अब आगे चलो, इतने प्रकार के भाव होने पर सिद्ध पना प्रकट नहीं होता। इसका मतलब जिन्हें सिद्ध पना चाहिए हो, नंबर एक पॉइंट, तो इतने भावों का अभाव होने के बाद होगा, बराबर। तो ऐसी कामना नहीं करना। अब जिन्हें सिद्ध नहीं होना हो वे ऐसी कामना करें, कैसी? शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, सुस्वर दुस्वर, जे भी सुस्वर दुस्वर आपको बताया, जीव विपाकी में नीचे नहीं, इधर
ऊपर है, इधर नहीं है उसका, इनकी कामना नहीं करना, नंबर एक। नंबर दो, जब ध्यान से सुनना, थोड़ी सूक्ष्म बात है, ये 90 प्रकार की प्रकृतियां जीव में कुछ नहीं करती, लेकिन जब इनका उदय होता हो तो आपो आप उनको ये सब भाव होते हैं और ये सब क्रियाएं होती हैं। भाई यहाँ थोड़ा कठिन लग रहा होगा समझने में, लेकिन मेहनत करना, थोड़ा समझना। जैसे एक बात ध्यान से सुनना, सबके काम की बात है, अंतिम बात है, सुनना सभी लोग। नई काम की लगे ना तो फिर पूछ के जाना कि काम की क्या है, क्योंकि आप तो हर एक बात को पढ़ाने में ऐसे कह देते हैं बहुत काम की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम की बात है। जब हम ईमानदार होते हैं और अच्छे होते हैं तो हमें ये अपेक्षा होती है कि हमारा आदर होना चाहिए, लोग हमारा अपयश नहीं करें, लोग हमें अदेख सका नहीं करें, जेलेसी नहीं करें। जब मैं इतना अच्छा हूँ तो अच्छा होना चाहिए ना। तो सुभग और दुर्भग नाम कर्म का उदय ऐसा है कि पापियों को भी आवकार मिलता है, क्योंकि उसको सुभग नाम कर्म का उदय है। जैसे ओसामा बिन लादेन की बहुत महिमा गाते हैं लोग, बहुत महिमा गाते हैं, रावण की बहुत महिमा गाते हैं लोग। आज ओसामा बिन लादेन, यदि ओसामा का नाम छोड़ दे, आप जल्दी नहीं समझ पाओगे, मैं लालू प्रसाद का नाम लेता हूँ। लालू प्रसाद ने 5,000 करोड़ की घास खाई थी और घोटाले कितने किए थे वो सबको पता है। उस बीवी को बिल्कुल अंगूठा छाप होने पर भी मुख्यमंत्री बना दिया उसने, और कोई कुछ नहीं कह सका। और 250 चैनल उसके पास आसपास घूमने में सौभाग्य मानते थे, देश विदेश की मीडिया आगे पीछे घूमती थी। विदेश में अमेरिका में पढ़ने वाले विद्यार्थी मैनेजमेंट के और उससे मैनेजमेंट सीखने आते थे, और वो ऐसे आके बैठता था और मुँह ऐसे बोलते थे, और मैनेजमेंट गुरु, और रेलवे का सबसे पहले वर्ल्ड में आज तक एक रिकॉर्ड कि हर साल बजट में कुछ ना कुछ फेयर बढ़ता था, लेकिन उसने 5 साल रहते हुए कभी भी फेयर नहीं बढ़ाया और फिर भी 20,000 करोड़ का फायदा करा। इसलिए वर्ल्ड में मैनेजमेंट गुरु के नाम पर फेमस हो गया वो। माने मैं बताना ही चाह रहा हूँ, वो अपराधी है, उसके नाम पर जाने कितनी हत्याएं और क्या क्या है, वो मुझे मतलब नहीं कुछ, सारे अखबारों में भी छपता है। लेकिन एक तरफ, जब तक पुण्य का उदय है तुम लाख पाप करो उसकी प्रसिद्धि होती रहेगी, एक पॉइंट। दूसरा, आप बहुत धर्म करो, ईमानदार हो, ब्रह्मचारी त्यागी हो, यहाँ तक कि पारसनाथ भी क्यों ना हो, यदि पाप का उदय हो तो 7 दिन तक पत्थर गिरेंगे। इसीलिए पाप दुर्भग नाम कर्म का उदय जान करके भेद विज्ञान करना, ये नहीं सोचना कि इससे धर्म नहीं करेंगे, ऐसे धर्म करने से फायदा क्या है। हम धर्म कर रहे रोटी तक नहीं देते, हम धर्म कर रहे कोई हमें पूछता तक नहीं, धर्म कर रहे और कोई हमें आवकार ही नहीं मिलता, कभी चक्कर में नहीं पड़ना। क्या पुरुषार्थ और सुभग नाम कर्म का उदय, कभी कभी ये 36 हो सकते हैं। क्या कहा? पुरुषार्थ, पवित्रता, मोक्ष मार्ग और दुर्भग नाम कर्म का उदय हो सकता है। सीता धर्मात्मा थी लेकिन दुर्भग नाम कर्म का उदय था। अंजना शीलवान सती थी, धर्मात्मा थी लेकिन दुर्भग नाम कर्म का उदय था। 5 पांडव में से 3 पांडव मोक्ष जाने वाले थे लेकिन दुर्भग नाम कर्म का उदय था। 5 पांडव भावलिंगी संत थे लेकिन 2 को उदय था। समझ गए जल्दी? कई बार हम इसलिए हौसला छोड़ देते, वो तो पंचम काल है, पाप करे बिना काम नहीं चलेगा, सीधी उंगली से टेढ़ी उंगली बिना घी नहीं निकलता, वो तो भैया टेढ़ों के साथ टेढ़े ही बनना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, इसके समझाया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे के साथ तेषा इट इज नॉट करेक्ट, जैसे के साथ तैसा व्यवहार नहीं करना, उसे जो दिखे सो करे, वो स्वतंत्र नरक जाने के लिए, 4 गति में जाने के लिए, लेकिन उसके क्रोध के कारण मैं क्रोध नहीं करूँगा, उसके मान का मैं बुरा नहीं मानूंगा, उसके 4 कसायों का मैं बुरा नहीं मानूंगा, ये भेद विज्ञान। समझ में आया कि नहीं? काम की बात निकली कि नहीं निकली? अभी ऐसा लगता है
एक ऑफिस में एक आदमी ईमानदार हो, मेरे प्रोविजन सुन के चला गया बेचारा, तब बेचारा ईमानदार है ना, तो पैसा आता है, ऊपर से 10 लोग रोज धमकाते हैं उसे, बॉस कहता है तुम हमारा हिसाब लगाओ, हमें दो पैसे, तुम नहीं लेना मत लो, हमें तो दो, और नहीं तो मैं तुम्हारी फाइल बिगाड़ दूंगा, मैं तुम्हारी CR बिगाड़ दूंगा, मैं तुम्हारा प्रमोशन रोक दूंगा, और मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दूंगा, और तुम देखना जब बोनस लोगे तो मैं लेने नहीं दूंगा, और इंक्रीमेंट नहीं लगने दूंगा, और ब्रेक लगा दूंगा। बेचारे को इतनी तकलीफ, लेकिन सुनो बेटे, ये केवल 10-25 साल की बात हो सकती है, मैक्सिमम करोड़ों अरबों वर्षों का आपको लाभ है। मोक्ष नहीं होगा तब तक स्वर्ग में चैन से रहोगे आप, नरक नहीं जाना पड़ेगा, और पापियों के बीच में रहकर मैं तो कहता हूँ यदि समर्थ नहीं हो तो नौकरी छोड़ दे, किसी के घर में झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन ईमानदारी से कमाना, बर्तन मांज लेना झूठे, लेकिन ईमानदारी से रहना, अन्याय अनीति में कभी किसी का साथ नहीं देना, एक रावण का साथ नहीं देना, एक भ्रष्टाचारी का साथ नहीं देता, जिंदगी में कभी नहीं देना। क्या तुम्हारी वर्तमान पवित्रता को आदर मिलता है या नहीं मिलता, इसका संबंध सुभग और दुर्भग नाम कर्म के उदय से है। पॉइंट पकड़ में है, अपना सत्य मार्ग, सत्य चिंतन, सत्य दृष्टि कभी नहीं छोड़ना, पकड़ में आई बात। ये असिद्धत नाम के उदय भाव में इतनी चर्चा है, इतनी नहीं है, है तो बहुत, ये तो आपको हम सैंपल दिखाते, सही बात है, जब आप स्टडी करेंगे इसमें बहुत माल है, खूब विचार करना भैया, कभी निराश नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, परेशान नहीं होना, इतनी सुंदर बातें हैं। इस तरह से अपने औदिक भाव की चर्चा की है। ओम नमः शिवाय।